गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई एम योर फ्रेंड अभिल विरक। तो आज हम आए हैं गेटों पे, ये मैकडॉनल्ड जो है ना फैसलाबाद में के, तो इसके साथ हार्डीज है, उसके इस साइड पे आएंगे ना आप सियाने वाली साइड पे, तो यहाँ पे सिकंदर वाले हैं, चने वाले बड़े मशहूर इनके चने हैं, तो आज हम वो टेस्ट करने आए हैं, तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट करवाते हैं और साथ आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं इनका किस तरह का है, किस तरह ये बना रहे हैं और किस क्या क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं। चले भी चलते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं। भैया कौन कौन से नान यहाँ पे लगा रहे हैं? सारे नान लगाते हैं, रोगनी वगैरह या सिर्फ सादी लगा रहे हैं? सादा रोगनी, इधर रोगनी रोटी, मेरी रोटी सही है। काफी बड़ा तो दूर में गए हैं, तो इनके चने ज़रूर आप खाने हैं, तो चलते हैं आपको रिव्यू देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, अलहमदिल्ला। तो भाई आप बताइएगा कि कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं इनके चने वगैरह खाने के लिए? मैं कोई पिछला कोई एक साल हो गया। एक साल हो गया, कैसा टेस्ट है आपको इनका लगा? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। सबसे अच्छी बात जो है वो साफ़ सुथरा माहौल है, सही है, टेस्ट अच्छा है। कहीं और से भी आपने पहले टेस्ट किए हुए चने? हमने जब से ये खा लिया उसके बाद नहीं। सही है, तो भैया देख सकते हैं ये गाड़ी में बैठ के जो है ना नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी हम आपको दूसरा रिव्यू देते हैं इसका। थैंक यू ब्रदर। तो भैया अभी हमारे पास सिकंदर चने वालों की हर चीज़ जो हमारे पास आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप भी यहाँ पे पाए हैं, और ये बड़ा गोश्त है, और ये चिकन चने हैं, और साथ ये चिकन कौरमा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, तो अभी हम व्यूअर्स आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं सारी टेस्ट करके बताते हैं किसका टेस्ट कैसा है। ये व्यूअर्स इनके स्पेशल जो है ना रोगनी नान है इनके, तो ये बड़े मज़े के लग रहे हैं, देखते ही मुँह में वैसे ही पानी आ रहा है, तो अभी हम इस आपको टेस्ट करके बताते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स इनकी जो मेन चीज़ है ना वो है यहाँ के चने,
तो ये चने ये देख सकते हैं आप कितने मज़े के लग रहे हैं, इनकी ग्रेवी कितनी मज़े की है और तरी ऊपर आई हुई है, बड़े मज़े के लग रहे हैं देख सकते हैं आप। साथ इन्होंने एक अंडा दिया है और साथ ये चिकन की एक है, ये देख सकते हैं आप। क्रिस्पी नान है इनके और मसाले बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट हैं, ना ही ज़्यादा हैं ना ही से आप कम कर सकते हैं, बिल्कुल मज़े के हैं। तो व्यूअर्स अभी हम जो है इनका बीफ वो टेस्ट करते हैं कि वो उसका टेस्ट कैसा है। जो देख ये देख सकते हैं व्यूअर्स, इसमें ग्रेवी जो है बड़ी मज़े की लग रही है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी प्याज जो है वो बिखरे होते हैं बिल्कुल वैसे नहीं है। और ये देखिए बहुत ही मज़े का बीफ लग रहा है, तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। क्या बात है, अगर हमने चने टेस्ट किए हैं उसका एक अपना टेस्ट है, बीफ टेस्ट किया है उसका एक अपना ही टेस्ट है। मीन इनके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनके से आप चीज़ जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अभी हमारे पास आए हैं पाए, ये देखें व्यूअर्स, थोड़ा सा यहाँ से ये लेते हैं। ख़ास तौर पर पाए का जो शोरबा आता है ना उसमें ही सारा टेस्ट होता है, ये आप शोरबा भी इसका देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी अरोमा आ रही है यहाँ से। बड़ा ही एक लेवल सा इनका टेस्ट है, हर चीज़ में जो है ना वो नमक मिर्च हर चीज़ जो है बहुत परफेक्ट है। कभी वैसे हमारे पास आखिरी जो चीज़ है चिकन कोरमा, हम वो टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा हम चिकन लेते हैं, देखें भी और चिकन कितने ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है, ना ही कच्चा है और ना ही ये बिखरा हुआ है, और तरी देखें ऊपर कितनी ज़बरदस्त आई हुई है, मसाला इसका देख सकते हैं आप, हर चीज़ जो है ना परफेक्ट है, ये देख सकते हैं आप। हर चीज़ भी अपनी अपनी जो है ना टेस्ट बता रही है कि मैं क्या चीज़ बनी हुई है। अगर आप चने टेस्ट करते हैं उसका एक अलग टेस्ट है, अगर आप बीफ टेस्ट करते हैं उसका एक अलग टेस्ट है, पाए का एक अलग टेस्ट है, और ये जो कोरमा बना है इसका एक अलग टेस्ट है। तो भैया ये रायता साथ देते हैं तो अभी ये टेस्ट करते हैं साथ, इन्होंने इसमें पुदीना डाला हुआ है और ये रायता आम रायता जैसा नहीं है, काफ़ी थिक रायता है, मीन के इन्होंने अंदर पानी वगैरह नहीं ऐड किया हुआ, बड़ा मज़े का रायता है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।